साउथ कोरिया का मशहूर के पॉप बैंड ब्लैकपिंक। ब्लैकपिंक बैंड में चार सदस्य शामिल है, जिसू, जेनी, रोजे और लिसा, और उन्होंने 8 अगस्त 2016 को डेब्यू किया था। जिसू का पूरा नाम किम जीसू है। वह 25 साल की है और गोनपो योंगगी में 3 जनवरी 1995 को पैदा हुई थी। 2011 में वह YG एंटरटेनमेंट से जुड़ी और 2015 से टीवी पर भी छा गई। ब्लैकपिंक बनने से पहले 2011 में जिसू ने LG इलेक्ट्रॉनिक्स, निकॉन और सैमसोनाइट के विज्ञापनों में छापा था। जेनी का पूरा नाम किम जेनी है। वह 24 साल की है और 16 जनवरी 1996 को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में पैदा हुई थी। उसने 8 और 13 साल की उम्र के बीच न्यूजीलैंड में पढ़ाई पूरी करी है। गायन के साथ साथ जेनी एक रैपर भी है और उन्होंने TLC, लॉरेन हिल और रिहाना जैसे कलाकारों से प्रभावित किया है। रोज पार्क प्रशंसकों के लिए जानी जाता है। जो रोज 23 साल की है और 11 फरवरी 1997 को पैदा हुई थी। उसने 4 साल के लिए YG एंटरटेनमेंट के साथ प्रशिक्षण लिया, जिस समय उसने घोषणा की कि वह ब्लैकपिंक का सदस्य बनने जा रही है। एक साक्षात्कार में रोज ने कहा कि अमेरिकी गायक गीतकार टोरी केली उनकी संगीत शैली के लिए एक प्रेरणा थे। लीजा का जन्म नाम प्राणप्रिया मनोबन है। वह 23 साल की है और उसका जन्म 27 मार्च 1997 को थाईलैंड के बुरीराम प्रांत में हुआ था। उसने कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर लालिसा कर दिया था। लिसा ने 4 साल की उम्र से डांस करना शुरू कर दिया था, जैसे टू बी नंबर 1। वह 11 अन्य नर्तकियों के साथ डांस ग्रुप वीजा कूल का हिस्सा थी, जिसमें कोरियन बॉय बैंड गोट 7 के बम्बम की पसंद। अपनी शुरुआत के एक महीने बाद 25 अगस्त 2016 को ब्लैकपिंक को अपना पहला रियलिटी टीवी शो ऑफर मिला, जिसे ब्लैकपिंक रियलिटी कहा गया। इसे 6 जनवरी 2018 तक एक सीजन और 12 एपिसोड के साथ प्रसारित किया गया था। स्क्वेयर 2 ब्लैकपिंक को 1 नवंबर 2016 को एक अनुवर्ती के रूप में जारी किया गया था। इस मैक्सी सिंगल में प्लेइंग विद फायर गीत में भी शामिल है, जिसके 2020 तक 2,500,000 से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ब्लैकपिंक ने 2016 में एशियन आर्टिस्ट अवार्ड्स में अपना पहला पुरस्कार रूकी सिंगर अवार्ड जीता। उन्होंने 2017 में बुसान 1 एशिया फेस्टिवल में स्टाइल आइकन अवार्ड को भी अपने नाम किया है। ब्लैकपिंक उनके गीत किस एंड मेकअप बनाने के लिए 2018 में दुआ लीपा के साथ कोलैबोरेशन किया था। लिसा 21 मार्च 2018 को चीन में कॉस्मेटिक्स ब्रांड मॉनशॉट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 2018 में उनके गाने के लिए ब्लैकपिंक का यूट्यूब वीडियो दुदु धुडु अपलोड होने के 24 घंटों के भीतर यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो बन गया था। यह केवल 9 महीनों में 734 मिलियन व्यूज पाने के साथ सबसे ज्यादा देखा जाने वाला केपॉप वीडियो भी बन गया था। 2018 में जिसू और रोज एक दक्षिण कोरियाई मेकअप चुंबन मेरे बुलाया ब्रांड के लिए मॉडल बन गया। कोरिया के वार्षिक संगीत पोल गैलप ने 2018 में दक्षिण कोरिया में जिसू को 10वीं सबसे लोकप्रिय मूर्ति के रूप में वोट दिया। 12 नवंबर 2018 को जेनी की पहली एकल सोलो शीर्षक वाली पहली फिल्म थी। ब्लैकपिंक ने 2018 में एले पत्रिका की एले स्टाइल अवार्ड्स प्रतियोगिता से के स्टाइल आइकन पुरस्कार जीता। 2018 में मेलन म्यूजिक अवार्ड्स में दक्षिण कोरिया में आयोजित एक प्रमुख संगीत कार्यक्रम ब्लैकपिंक ने 2 पुरस्कार जीते। ये सर्वश्रेष्ठ महिला नृत्य के लिए और शीर्ष 10 कलाकारों में शामिल होने के लिए थी। जेनी के एकल करियर के बाद
2019 में जेनी कोचेला में प्रदर्शन करने वाली पहली कोरियाई एकल कलाकार बन गई। उस वर्ष कोचेला में देखे गए शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ कृतियों में प्रदर्शन को रखा गया था। जिसू इंस्टाग्राम पर अप्रैल 2019 में 12.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 10वीं सबसे ज्यादा की पॉप सेलिब्रिटी थी।